अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस का ओवरव्यू। जैसे कि इसके पहले वीडियोस में हमने देख लिया कि फोटोसिंथेसिस किसी लीव्स के मेसोफिल सेल्स में होते हैं या कहीं क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड मेम्ब्रेन एंड स्ट्रोमा के अंदर उसकी कुछ रिएक्शंस होती हैं। जो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स शो करते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल सनलाइट की प्रेजेंस में स्टार्च एंड ऑक्सीजन फॉर्म करता है। तो ये हो गई क्या केमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है टू स्टेप्स में। नंबर वन स्टेप होती है क्या लाइट रिएक्शन एंड सेकंड स्टेप होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इसका नाम इसीलिए पड़ा कि इस रिएक्शन के अंदर इस प्रोसेस के अंदर जो भी प्रोसेस होगा उसमें लाइट की इम्पोर्टेंस होगी, लाइट का कुछ रोल होगा और वो लाइट क्या होगी सनलाइट। तो इसलिए लाइट रिएक्शन को क्या बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस पहला। तो डार्क रिएक्शन क्या है जो डार्क में हो रही है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो ये हो जाता है क्या लाइट इंडिपेंडेंट फेज। लाइट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट नहीं होना चाहिए डार्क रिएक्शंस को होने के लिए। सेकंड इसका नाम होता है केल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शंस को केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है टू स्टेप्स में लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस को कंप्लीटली समझने के लिए पहले हमने लीफ मेसोफिल सेल्स क्लोरोप्लास्ट थैलाकोइड थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर पिगमेंट्स तक पढ़ लिया, समझ लिया स्ट्रक्चर। अब आपको और एक और स्ट्रक्चर पढ़ना है दैट इज कॉल्ड फोटो सिस्टम। ये वीडियो पूरा देखना तब जरूर समझ में आएगा। अगर इसका पहला वाला पार्ट मिस किया है तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले देखते हैं जो फोटोसिंथेसिस के अंदर एक केमिकल रिएक्शन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सनलाइट की। स्टार्च एंड ऑक्सीजन वाला पार्ट अभी के लिए भूल जाओ, केवल ये तीन पॉइंट याद रखना है। सपोज एक प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या बना हुआ है सन बना हुआ है। अब इस प्लांट को क्या करना है फोटोसिंथेसिस करना है। तो इस प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, वाटर मिल रहा है, ठीक है। वाटर कहाँ से प्रोवाइड होगा इसकी रूट से इस प्लांट में ऊपर चला जाएगा। तो इट मींस प्लांट की रूट्स हेल्प करती है वाटर एब्जॉर्प्शन में। पहला पॉइंट वाटर मिल गया, ये वाला कंप्लीट, वाटर मिल गया एक प्लांट को। नेक्स्ट क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट या प्लांट की लीफ कैसे लेगी, तो उसके लिए यहां पर मैंने ये लीफ बनाई है, लीफ का अगेन ये डिटेल स्ट्रक्चर बनाया। इसके अंदर मैंने आपको बताया थी ये मेसोफिल सेल्स होते हैं, अपर एपिडर्मिस होती है, लोअर एपिडर्मिस होती है, जो सेल्स बहुत अच्छे से अरेंज होते हैं। लेकिन कभी कभी ये दो सेल्स के बीच में इस तरीके से गैप फॉर्म हो जाता है, स्पेस फॉर्म हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं और यही स्टोमेटा प्रोवाइड करता है क्या स्पेस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लीफ के अंदर एंटर होने के लिए। अब ये प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो इसकी लीव्स के जो स्टोमेटा पार्ट है वो ओपन हो जाएगा। स्टोमेटा जैसे ही ओपन होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाएगी लीफ के अंदर और मेसोफिल सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, तब जाके ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया प्लांट को, वाटर भी मिल गया। अब बात करते हैं सनलाइट की। अब ये सनलाइट प्लांट किस तरीके से एब्जॉर्ब करेगा, इस पॉइंट को समझने के लिए हमको फोटोसिस्टम पढ़ने पड़ेंगे। फोटोसिस्टम बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना। लीफ है, लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स है, सेल के अंदर क्या है क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है थैलोकॉइड है। स्ट्रोमा लैमेला ये सब अभी भूल जाओ, केवल थैलोकॉइड पे ध्यान दो। थैलोकॉइड की जो मेम्ब्रेन थी इसके पहले वीडियो में बताया था इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो पिगमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, क्लोरोफिल हो सकता है, ज़ैंथोफाइल्स हो सकते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं।
बट यहाँ पे हम लीफ की बात करें तो क्लोरोफिल की बात करेंगे, इट मीन्स ग्रीन कलर पिगमेंट की। तो ये जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं, मैं यहाँ पे ग्रीनी कलर बना देती हूँ, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ये ग्रीन कलर के क्लोरोफिल के पिगमेंट्स कुछ प्रोटीन्स के साथ, किसके साथ, प्रोटीन्स के साथ मिलके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फोटोसिस्टम। तो फोटोसिस्टम क्या है, तो फोटोसिस्टम है क्लोरोफिल के पिगमेंट्स जो हो सकते हैं 300 to 400 प्लस कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। क्या मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोरोफिल प्लस प्रोटीन मिलके क्या बना लेते हैं, फोटोसिस्टम। अब फोटोसिस्टम क्या चीज है, सपोज मान के चलो ये फोटोसिस्टम है, ये रेक्टेंगल जो है फोटोसिस्टम है, कहाँ प्रेजेंट है, लीफ के ऊपर। लीफ में मतलब कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिस्टम बना हुआ है। तो अब ये फोटोसिस्टम क्या हो जाएगा, जैसी सनलाइट पड़ेगी ये फोटोसिस्टम एक्टिव हो जाएगा, सनलाइट के अंदर जो फोटॉन्स होते हैं लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो ये फोटोसिस्टम का दूसरा नाम होता है LHC, यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अगर एक प्लांट के अंदर लीफ की क्लोरोप्लास्ट में थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम या LHC प्रेजेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि सनलाइट तो प्रेजेंट रहेगी हमेशा, सन हमेशा रहेगा, लाइट आती रहेगी, लेकिन उस चीज को प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिस्टम का स्ट्रक्चर। तो ये मैंने जो मेम्ब्रेन ब्लू कलर की बनाई है, ये कौन सी मेम्ब्रेन बनाई है, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन। कुछ ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, ये और बड़ा थैलाकॉइड बना दिया, ठीक है। अब थैलाकॉइड के अंदर ये क्या है, एक फोटोसिस्टम हमने पढ़ा यहाँ पे, फोटोसिस्टम यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्योंकि जब आप फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस को पढ़ोगे तब आपको फोटोसिस्टम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये फोटोसिस्टम के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक कलर के सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं पिगमेंट्स। क्या होते हैं, पिगमेंट्स। किसके पिगमेंट्स, क्लोरोफिल के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, कुछ लंग्स टाइप आप याद करो, लंग्स होते हैं, दो लंग्स हैं और दो लंग्स आपस में जॉइन है, तो यहाँ पर भी पिगमेंट्स प्रेजेंट है, इसके अंदर भी पिगमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो रेड कलर के दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी होते हैं क्या, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स। लेकिन अब आप सोचोगे कि ये भी क्लोरोफिल पिगमेंट्स है और ये भी क्लोरोफिल में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल का पेयर है और ये स्पेशल पेयर कहलाता है, और ये इतना पार्ट फोटोसिस्टम का, ये इतना सा पार्ट को बोलते हैं क्या, रिएक्शन सेंटर। यहाँ पे आगे चल के हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली रिएक्शन सेंटर में ही कुछ होता है जिसके कारण से फोटोसिस्टम एक्टिवेट हो जाता है या कहीं लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है। और ये जो ग्रीन कलर का सर्कल बना है इसको मान के चलो आप प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फोटोसिस्टम या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, कुछ नहीं, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो कुछ प्रोटीन्स को बुला लेते हैं और ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो पिगमेंट्स लेफ्ट साइड में अरेंज हो गए, राइट साइड में अरेंज हो गए, बीच में उन्होंने एक रिएक्शन सेंटर बना लिया, उसको सेव करके रखा है क्योंकि यहाँ पे मेन रिएक्शन होगी और रिएक्शन सेंटर के अंदर स्पेशल दो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्पेशल पेयर होते हैं, और उनके ऊपर प्रेजेंट होता है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि कहीं से कुछ इलेक्ट्रॉन आएगा और ये एक्सेप्ट करेगा, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो एक फोटोसिस्टम के अंदर क्या हो गया, पिगमेंट्स हो गया, क्लोरोफिल हो गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ द फोटोसिस्टम। अब बात करते हैं जो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट फेज के अंदर जो हमें फोटोसिस्टम्स पढ़ने हैं या LHC, वो अगेन टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स की क्यों होते हैं, क्योंकि हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, एंगलमैन ने किया था, उन्होंने क्या किया था, प्रिज्म लिया था, प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास किया था,
उसके बाद वो लाइट क्या हो गई थी, स्प्लिट हो गई थी डिफरेंट कलर्स में, विप्योर हमने पढ़े थे कलर्स। और आपको ये भी पता है जो एक लाइट होती है उसकी दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, एक होती है वेवलेंथ, एक होती है फ्रिक्वेंसी। वेवलेंथ समझते हो, जब एक फ्रिक्वेंसी इस तरीके से वेव मूव करती है तो जिसकी लेंथ मानी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको दो वेवलेंथ पता होना चाहिए, एक होती है 680 नैनोमीटर की और एक होती है 700 नैनोमीटर की। यानी कि एक प्लांट के अंदर, एक लीफ के अंदर, उसके क्लोरोप्लास्ट की थैलोकॉइड की मेम्ब्रेन में जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है वो सनलाइट से, किससे, सनलाइट से, सनलाइट की जो लाइट होती है उसके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप्स की रेज होती है, उसकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। जैसे हम होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, और एक बैट यानी कि चमगादड़ होता है, हम लोग एक पर्टिकुलर लेवल तक सुन सकते हैं, उससे ज्यादा अर्थक्वेक का साउंड हम नहीं पता कर सकते कि नीचे से अर्थक्वेक आ रहा है। लेकिन बैट्स जो होते हैं या कहें डॉग्स होते हैं, उनको कैसे पहले से पता चल जाता है, क्योंकि जो उनकी ईयर्स की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है वो ज्यादा सुन पाते हैं। उसी तरीके सनलाइट के अंदर डिफरेंट वेवलेंथ होती है। प्लांट जो होता है वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट और 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब अगर दो वेवलेंथ है तो दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होंगे अलग अलग। 700 नैनोमीटर का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 680 की लाइट को नहीं एक्सेप्ट करेगा और 680 का फोटोसिस्टम ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 700 को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इट मींस थैलोकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर कितने फोटोसिस्टम्स होते हैं या कितने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, टू। एक होता है P680 यानी कि फोटोसिस्टम 680 का और एक होता है P700 का। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, फिर से एक बड़ा सा थैलोकॉइड बनाएंगे, उसके अंदर दो फोटोसिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है।